My husband had a factory in industrial area Panchkula itself. We happened to go through one street where this Ashiana was located in Sector 9, climbed the stairs and got connected immediately. जब हमने शुरू किया था उस वक्त सिर्फ यहाँ आशियाना होम था एक, बस वहाँ बच्चे रहते थे, उनकी ही देखभाल सब कुछ होता था। इतना चंगा लगा कि मैंने ऐसा लगा कि जी रस्ता मेरे रोधी खुराक मिल गई। To begin with, it was only Ashiana. Once in a month, we would do one awareness campaign, and that also it was very much structured. And second, this Ashiana Children Home for the children who are in need of care and shelter. The first thing when it started was we started with one computer lab and a skill development like stitching, tailoring classroom in Budanpur slums area, which is across the road from Ashiana. The government schools don't have access for the children to work on computers. That is how we started our computer learning center in Ashiana. 2 se leke 5 baje tak 3 batch lagte hain, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5. One of the project hai hamara, hamare premises mein hi hai. Of course, our Ashiana children are getting complete education in computers training, and other children also from outside, they are benefiting from this program, and they are getting 6 months basic training in computers. मेरे पापा एक गार्डनर है। माय एम इज पुलिस वुमेन सर्विस। मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सीखा है। यहाँ कंप्यूटर मैं 2 महीने से सीख रही हूँ, जो मैंने पिछले अगस्त में स्टार्ट किया था। यहाँ जो कोर्सेज आशियाना में हो रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो युवा है आजकल के वो सीख सकते हैं, अपना रोजगार चला सकते हैं। थापली जो है मोरनी हिल्स का एक छोटा सा हिली एरिया का स्कूल है, और लोग यहाँ पे बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के हैं। आशियाना ने यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम किया है वो एक कंप्यूटर लैब शुरू किया है छोटे बच्चों के लिए, और एक टीचर भी, वॉलंटियर टीचर भी प्रोवाइड किया है। बहुत ही बड़ा मौका बच्चों को दिया है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बहुत ही आगे ले जा सकता है। मैंने पेंट, नोटपैड, एमएस वर्ड और टाइपिंग ये सब सीखा है। घर पे मम्मी को पता है और पापा को पता है कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ। पापा को भी अच्छा लगता है और मम्मा को भी अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ और मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगी। आने वाले टाइम में और अपने स्कूल की जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो और भी कंप्यूटर आएंगे, फिर हमारे पास सीखने में और ज्यादा मजा आएगा। दे एक्चुअली रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट द मोस्ट, बिकॉज विदाउट कंप्यूटर्स नॉलेज दीज डेज वर्ल्ड डजंट मूव।
इससे क्या हुआ है कि बच्चों के जो चेहरे पे खुशी मैं देखती हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, उनकी स्किल बढ़ी है। Adjacent to the Ashiana is one temple where every Tuesday a large number of children stand outside the gates of the temple for prasad. That was actually hurting, pinching us a lot. Like, why these children should be begging for just little prasad? And that too, just once in a week. Mr. Chandramohan and Dr. Vibha ne initiative liya. 21 sector ke mandir ki basement mein jab unhone ye program shuru kiya, to unko bithane ke liye, unka dhyan divert karne ke liye, ड्रामा थिएटर एनिमेटेड पिक्चर्स 5-1 मिनट की 15 मिनट 10 मिनट की वहीं पे दिखाई और बच्चों को उस एडिक्शन से डाइवर्ट करके इस एडिक्शन पे जो कि बहुत क्वालिटेटिव थी बैगिंग वाले बच्चों का बैगर फ्री जोन बनाना था उसमें जो बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बड़े बच्चे थे आशियाना के सो आप इमेजिन कर सकते हैं अभी हमारे बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं एंड दिस इज हाउ दिस आनंदा प्रोग्राम स्टार्टेड आशियाना चिल्ड्रन सर्विंग द देयर अदर ब्रदर्स वी हैव वेरी गुड वॉलंटियर्स सो दे गो दे कम दे टीच दे लव चिल्ड्रन और हम लोग जब वॉलंटियर्स के पास गए कि ये काम करेंगे तो इतने वॉलंटियर्स हमको अच्छे अच्छे मिले वो इस फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये हम लोगों का वही एक ग्रुप है अगर एक एक हमारा सीनियर सिटीजन एक एक बच्चे को भी पकड़ ले तो हमारा कंट्री का पूरा शेप ही बदल जाएगी इन फैक्ट द वॉलंटियर्स आर 50+ वी यूज्ड टू हैव अ लेडी ऑन अ क्रच मिसेस आर्या हु पास्ड अवे शी वाज हैंडीकैप्ड बट शी यूज्ड टू कम एंड टीच एवरी आफ्टरनून विद हर हस्बैंड So such sincerity on the part of these people, whether young or old or middle-aged, has helped to bring out the best in these children. यहाँ की management बहुत अच्छी है, जो हर project के ऊपर ध्यान देती है. Ashiana is one of the most credible organization in the country. I can certainly say with my association with this organization over a long period of time that it is one of the best organizations that I could think of. तो Ashiana की जो team है, वो बहुत डेडिकेटेड टीम है एक्चुअली और बहुत सीनियर ऑफिसर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि हम कैसे बच्चों को हेल्प किया जाए कैसे एजुकेशन को जो है ना अपग्रेड किया जाए व्हेन वी इनिशियली सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री एंड दोज हु वर लिविंग इन स्लम्स हु वेंट टू सम गवर्नमेंट स्कूल्स वर नॉट एबल टू रिसीव द फुल अटेंशन दैट वाज ड्यू टू देम एज पर देयर इंटेलिजेंस कोशेंट वी यूज्ड टू हैव सम बेगर्स हु यूज्ड टू कम टू द टेंपल नेक्स्ट टू अस So we first took them into our premises and gave them some nourishment, made them see a video, children's films, etc., to get their attention. And in the process, we also identified those children who had a better IQ. That time we were calling them only Tuesday children. But just within 4 weeks, the numbers from 35, it swelled to 250, just in 4 Tuesdays. And this is how then we started a regular class for these children with just 20 selected children. After that 20, when they started coming every day, we had a long queue of parents coming to Ashiana ki hamare bacche ko dakhil kar lo. They were very happy with this program. And now today we know we are actually catering to more than 300 children under this program. बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इनके पास बहुत है इनको नहीं देना चाहिए और क्योंकि उनको लगता था कि भाई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है थोड़े से बच्चे हैं उनके लिए करते हैं ये अब जो है बड़ी देर के बाद अब उनको महसूस हो रहा है कि ये तो बहुत काम कर रहे हैं किसी से भी कोई आती है डोनेशंस तो उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत प्रॉपरली होती है ये नहीं है कि बच्चों का सिर्फ पढ़ाई पे करना है या यहाँ ठहरने का उसका करना है अब जो बेनिफिट जा रहा है सिर्फ 50-60 बच्चों को नहीं जा रहा अब इसका बेनिफिट जो है कम से कम 250-300 बच्चों को हो रहा है वी हैव नाउ अ प्रॉपर गवर्निंग बॉडी We have a proper executive committee. We go through the process of annual general body meetings. So therefore, there is now a structure. So mal is the major junk which a person carries on his head. Mal means dirt that can be cleaned
by selfless service to the society. What I feel is like my load of junk was too big. That is why Lord has given me this opportunity to clean myself. So they look every person, irrespective of the economic class or caste, religion, especially the people who are deprived in one way or the other, that they deserve better treatment and give them confidence. Even women, girls, they feel that they are not treated at par with the rest of the people. When the Ashiana devotees talk to them, interact with them, deal with them, they give them respect they deserve. If you ask me why I do it, it's just that it gives me a lot of delight, especially at the end of the day, to be surrounded by students, especially girls. The religion it preaches is yourself, that how calm you are at with yourself, with the people around. Anybody is welcome to join, irrespective of the caste, creed and sex. In Ashiana, one class we are doing for these children only who are coming from the surrounding slum colonies that we call Shubharambh. 9:30 वही बच्चे आएंगे यहाँ पे जिन्होंने अभी स्कूल जाना है या जो स्कूल में एडमिशन हो गई प्री प्राइमरी लेकिन उनको एजुकेशन में दे आर लैकिंग सम वे आर बिहाइंड तो हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको ट्रेंड करते हैं 9:30 ऑनवर्ड्स कोचिंग के बाद 11:30 15-20 मिनट पहले हम उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं दिस इज़ अवर रूटीन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जो हम रिफ्रेशमेंट देते हैं उसमें एक ध्यान रखा जाता है भी बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स टाइप वो एंड एवरी डे अ ग्लास ऑफ मिल्क दिस इज़ अ ब्रिज स्कूल ब्रिज स्कूल मीन्स देयर आर चिल्ड्रन हूज़ पेरेंट्स हैव माइग्रेटेड इन मिड सेशन फ्रॉम देयर विलेज एरियाज और वेयर एवर And they don't get to sit in the school. Or those children who are otherwise grown up, say 10-12 years of age, but still they are not ready for formal schooling in the city, in the urban setting. So we are trying to bridge that gap of age and their class. बहुत ज़्यादा gap है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. They are our future. And if we are not taking care of our future, तो हम लोगों को ही नुकसान है किसी दूसरे को नुकसान नहीं सिंस सो मेनी चिल्ड्रन दे वर कमिंग टू अस एंड वी फाउंड देयर मदर्स आल्सो रिक्वायर आवर सपोर्ट सो दिस इज हाउ वी ब्रॉट इन वुमेन्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वी कॉल्ड इट नवचेतना इट्स अ न्यू अवेकनिंग '95 की मेरी ज्वाइनिंग है और मैं अनमैरिड थी उस टाइम इन्हीं की तरह थी मैं उस टाइम लेकिन उन्होंने क्योंकि खोलना था सेंटर खोलना था स्टिचिंग का तो मेरे को उन्होंने जो है वो आगे किया कि मैं पहले स्टिचिंग खुद सीखूं तो यहीं से मेरे को एक साल का कोर्स करवाया गया सबसे पहले उन्होंने हमें तुरपाई करना सिखाया उसके बाद स्टिचिंग में आगे बहुत कुछ बनाना सीखा जैसे बच्चों के अंडरवियर और बच्चों के झबले बहुत मतलब हमारे हाथों में सफाई भी आई है अब हमें और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है सीखने के लिए सुबह 11 बजे नवचेतना का टेलरिंग स्टिचिंग नीटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग सो मेनी थिंग्स वॉट एवर कम्स आर वी ट्राई टू डिलीवर इट फर्दर आस पास के रूरल एरियाज में लेडीज आती हैं आवरली बेसिस पे वो हमारे साथ काम करती हैं तो मोली जागरा से आते हैं कैंडल्स के लिए आते हैं अदरवाइज फ्री हैं और सर यहाँ टाइमिंग 2 है 10 से 1:30 और 1:30 से 5:30 अगर काम ज़्यादा होता है तो हम 10 से 5 रुकते हैं अदरवाइज हाफ हाफ टाइम यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगता है सबके साथ रह के टाइम स्पेंड होता है सारे अच्छे से रहते हैं फ्रेंड फैमिली सर्कल टाइप होता है ये टोटली हाथ का बना हुआ सामान है और हम यही चीज़ बाहर जब हम एग्जीबिशंस लगाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि ये किसके द्वारा बनाया जाता है कौन सी लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है एंड दे आर नाउ स्टार्टेड लर्निंग एंड अर्निंग ऑल्सो आउट ऑफ दिस द बेसिक पर्पज इज नॉट जस्ट गिविंग अ स्किल इट्स गिविंग डिग्निटी टू द वुमेन अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं उनको अकेलापन ना फील हो उनको मेरे साथ ये ना लगे कि भी ये कोई एक बड़ी डरावनी सी मैम है करीब करीब 150 बच्चा मेरे से सिलाई सीख चुका है हमारी फैमिली को भी बहुत खुशी होती है कि हमारी बेटी कुछ सीख रही है हमें सीख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं और हमारे में ये हुनर भी है मैं बड़ी होकर स्टिचिंग की टीचर बनना चाहती हूँ Our vision at ASHI, Haryana, is to create
a healthy social environment for those less empowered. For this purpose, we have gone into the field of women empowerment, child development. And just recently, we have added one more feature into this Navchetna. We call it Beauty and Wellness Program. Here the girls are trained for beauty culture and also health and hygiene. यहाँ पे पहले उन्होंने हमें अपने बारे में जानकारी देना बताया है, उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है ब्यूटी पार्लर के कोर्स में वो बताया, ब्लीच, मैनिक्योर, देन थ्रेडिंग। सर मुझे थ्रेडिंग करने में अच्छा लगता है। बताते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि हाँ सही है, जो भी है वहाँ सिखाते हैं, हमें भी सीखना चाहिए। मेरे को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो फ्रेंड है ना, वो कहती है मैं भी जाया करूँगी। हमारे ही प्रेमिसेस में रेखा जी कंडक्ट करते हैं। एवरी सैटरडे वी कंडक्ट मेहंदी क्लासेस। This is beyond Panchkula boundaries, the urban boundaries of Panchkula. We have targeted the surrounding village areas and we call this Rijan Bharat. Like it, we are trying to build our country through or with the help of people only. And the best thing would be to begin with children. We picked up a child once who used to sell forage for copper wire. Monu is his name. And then having sold it, he would use pasting solution to get high. So he was going that way. When eventually we traced him, caught him, brought him to our home, then got his mother and spoke to her. And I said that, look, would you like us to take on this child? We will do it. You can keep visiting him. Today he's a changed person. This is the basic necessity of every human being to get good education. And for this, we moved out to Morni area. And that is, one school is in Thapli, one is in Mandana. Another we selected from Zirakpur rural area. That is, the village is called Rampur Pudda. And there is one senior secondary school. The government of Punjab was kind enough, rather we feel honored that they invited us to do this program in Punjab also. Mandana school, slightly better facilities are there. So we are doing for them greening program. हमारे योगा की क्लासेस होती हैं एंड दैट इज फ्रॉम 6 to 6:30। सात बजे हमारा गीता चैंटिंग एवरी डे विदाउट इवन अ सिंगल ब्रेक। They need to compose themselves, they need to focus, they need to enjoy. So all these parameters are brought into these programs. It was the sharing of joy. So we have started now calling this program as Anand Shiksha. That is exclusively for government school students. And here we have children coming from colony. They come to us after school hours and we give them education plus co-curricular activities like dance, drama, yoga. And we have two very diverse views of this project. One is to keep the children off the street. जो इनको चाहिए, जो ये deserve करते हैं, तो हमें लगता है कि वो हम इनकी fulfill करें needs. इनको ये ना लगे कि हम औरों से अलग हैं या हमारे parents afford नहीं कर सकते. पहले योगा करता था आशियाना में, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था हमें पढ़ाने के लिए। आशियाना मेरे कई फ्रेंड्स हैं, हम 4 बजे आनंदा जाते हैं, 5 से 5:30 बजे तक फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, वहाँ पर रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसके बाद हम बस से घर आते हैं। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंज इन द लाइव्स ऑफ दीस किड्स। एकेडमिकली द किड्स हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, दे हैव डन एक्सेलेंट जॉब्स और शोज इन डांस, ड्रामा एंड योगा। Yoga practically they win all kind of all medals here. पहले मैं जब स्कूल जाता था क्वेश्चन पूछने में मैडमों से झिझक होती थी, अब वो नहीं होती हैगी। कई चीज़ एक्टिविटी, डांस होता था, थिएटर होते थे, तो मैं भी थिएटर में गया
और फिर वहाँ पे जाने पे मेरे को पता चला कि मैं स्टेज पे एक्टिंग अच्छा कर सकता हूँ। The theater teacher tells us that at least three of them are ready for National Institute of Drama. So which is a very big thing for these kids. They could never dream of such thing. और मैंने वहाँ पे जाके शिष्टाचार सीखा, कई चीजें सीखी हैं। बड़ा होके मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। Anand Shiksha is now running its programs right from Sector 15, Government Model Primary School to DC Model School and then Doon School also in Sector 21, Panchkula and Ramgarh Pudda, Punjab School, Zirakpur. A very lucky school. And it was very lucky for the children that Ashiana has studied in the co-curricular activities, feeding, plus इनडोर आउटडोर उन्होंने टाइम टू टाइम एग्जीबिशन या होर प्रोग्राम कंपीटिशन लैके जाते हैं। एंड फॉर डूइंग ऑल दीज प्रोग्राम्स द बेस्ट पार्ट इज दैट स्कूल्स हैव कम अप वेरी ब्यूटिफुली, देयर मैनेजमेंट्स हैव कोऑपरेटेड विद अस। व्हेन आई लुक इनटू देयर आईज आई सी लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। व्हाट अ वेरी फेमस कैनेडियन राइटर चार्ल्स डीलेंट सेड, आई विल पैराफ्रेज दैट, ही सेड ही वुड लाइक टू लिव इन अ वर्ल्ड where people look after each other, not just their relatives, but also those who need a helping hand. The impact of this project is that the kids, they have an avenue to channel their energies other than getting into, you know, wrong things in the society. The kids are placed in various organizations. One is even working at DRDO, which is really very good. So I feel that this project, if it is carried out in other places, it would have wonderful results. The children now, they have grown so well. Wherever they have gone in life, they have made us proud. Somebody is today an entrepreneur, somebody is a nurse, a medical lab technologist. Like, they are all very happily settled in life. हमारे बच्चे जिनको हम सोचते थे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने इतना अच्छा करके दिखाया, वही हमारी इंस्पिरेशन है, उसकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई आता था तो ये सोच के एनजीओ में आता था भी यहाँ पे रोते बिलखते बच्चे मिलेंगे और एक्सपेक्टेशन ऐसी होती थी। एंड वो जब हमारे बच्चे गणेश वंदना, गीता चयन संस्कृत में कर रहे हैं और बड़ी अच्छी वोकैबुलरी और बड़े क्लीन बच्चे और वेल मैनर्ड, ग्रीट करना, बाय करनी उनको, एंड आई एम वेरी ग्लैड भी वो छाप यहाँ एंटर करने पे कुछ और होती है और जब हमारे गेट के बाहर जाते हैं तो वो एक्नॉलेज करते हैं भी हम क्या सोच के आए थे और हमें यहाँ पे क्या मोटिवेशन मिला। तो मेरा ख्याल है हम सक्सेसफुल हैं। आई रिक्वेस्ट पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस इन दिस प्रोग्राम सो वी कैन टेक मोर एंड मोर किड्स सो दैट दे बिकम बेटर सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी। कोई भी आदमी जिसमें पोटेंशियल है वो घर में ना बैठे, वो बाहर निकले और अपने भविष्य को संभाले। आई ऑल्सो बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ तेरे पाणे सरबत दा भला, सो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर, ट्राई एंड हेल्प अदर्स ऑफ आर ओन काइंड। हु एल्स विल हेल्प ह्यूमैनिटी इफ ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स डोंट हेल्प अदर्स। सारे बच्चे जड़े आ साडे अपने देश दे ने, साडे अपने ही बच्चे ने, मानस की जात सब एक ही पहचान दो। First contact with Ashiana was through Dr. Mamgain Aunty, and she was totally dedicated being. Her smile, her spirit was a motivating force for me. The day she left Chandigarh, she said, till the time Vibha is there, I need not to worry because my children are in right hands. So that sentence of hers is actually a motivating force for me in my life. Because I have been given a responsibility with that faith that I will carry it forward.